मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने वाले हैं? यस, स्टोरी। सो आप सबको बहुत मजा आता है ना स्टोरी करने में? यस, मुझे भी बहुत मजा आता है। तो आज हम स्टोरी करने वाले हैं माउस विद सेवन टेल्स, ऐसा चूहा जिसकी सात पूंछ है। कितनी पूंछ है उसके पास? सेवन। जनरली आप मार्केट में क्या मतलब घर के आसपास या कहीं भी देखते हो चूहा, तो उसकी माउस जो देखते हो उसकी कितनी टेल होती है, पूंछ कितनी होती है? एक ही होती है ना। लेकिन ये स्पेशल टाइप का माउस है जिसके पास सेवन पूंछ है। उंदर सात पूंछ, रिवाड़ो, गुजराती, लेकिन हम करेंगे हिंदी में, है ना। अ माउस विद सेवन टेल्स, सात पूंछ वाला चूहा। तो एक समय की बात है, एक किसी शहर में एक सात पूंछ वाला चूहा रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। सो वो स्कूल जब भी जाता तो उसकी सेवन पूंछ देख के उसको क्लास में उसके जो बच्चे थे वो उसको चिढ़ाते, ओ देखो देखो सात पूंछ वाला चूहा, सात पूंछ वाला चूहा, सात पूंछ वाला चूहा, ऐसे करके उसको वो चिढ़ाते थे बहुत। फिर वो उसको ये सोच सोच के बहुत रोना आता था कि सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कि देखो कितना अजीब सा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, सात सात पूंछ है इस चूहे की, तो ऐसे करके उसको चिढ़ाते थे। तो वो रोता रोता घर जाता और अपनी मम्मा को बोलता कि मम्मा मेरे पास सात पूंछ है, इस वजह से मेरे को स्कूल में सारे बच्चे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं कि देखो देखो कैसा गंदा लग रहा है ये सात पूंछ वाला चूहा। तो उसकी मम्मा कहती है एक काम करो, तुम नाई के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरी एक पूंछ काट दो, है ना। तो फिर वो वैसे ही करता है, जाता है एक सलोन में और सलोन में जाके वो कहता है अंकल को कि अंकल अंकल प्लीज मेरी एक पूंछ काट दो। तो वो अंकल उसकी एक पूंछ कट कर देते हैं। तो सेवन थी उसके पास, उसमें से एक पूंछ कट कर दी, तब कितनी बची? छह। वो नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाता है, तब भी उसको सारे बच्चे फिर से छुड़ा चिढ़ाते हैं, ओ देखो देखो चूहा छह पूंछ वाला, देखो देखो चूहा छह पूंछ वाला, कितनी सारी पूंछ है, कैसा गंदा लग रहा है, ऐसा करके उसको फिर चिढ़ाते हैं सारे बच्चे। और फिर वो रोता रोता घर पहुंचता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी इस बच्चों ने फिर से चिढ़ाया आज मुझे, अब बोल रहे छह पूंछ वाला चूहा, छह पूंछ वाला चूहा। तो उसकी मम्मी कहती है ओके कोई बात नहीं, फिर तुम वापस अंकल के पास जाओ और उनसे अपनी एक और पूंछ कटवा लो। तो वो फिर से उन अंकल के पास जाता है और अपनी एक पूंछ फिर से कटवा लेता है, फिर खुश हो जाता है। वो घर पहुंचता है, मम्मी कहती है कटवा ली एक पूंछ और? वो कहता है हाँ मैंने तो कटवा ली। अब पांच पूंछ बचती है उसके पास, सात थी, सात में से एक कटवा दी, छह बची, छह भी कटवा दी, छह में से भी एक कटवा दी, तब पांच बची। फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है, फिर उसको बच्चे चिढ़ाते हैं, ओ देखो देखो चूहा पांच पूंछ वाला। फिर वापस घर जाता है और मम्मी सेम चीज बोलती है कि वापस जाके एक और पूंछ कटवा लो। वो एक और पूंछ फिर से कटवा लेता है, अब चार पूंछ बच जाती है। वो रोज खुश होता है कि चलो मैंने एक और पूंछ कटवा ली तो बच्चे नहीं हंसेंगे। लेकिन ऐसे करते 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 उस पे बच्चे रोज हंसते हैं, फिर उसको गुस्सा आता है और एक 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 करके वो सारे पूंछ अपनी कटवा लेता है। फाइनली वो देखो बिना पूंछ का हो जाता है और वो खुश हो जाता है कि अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, मैंने सारी पूंछ अपनी कटवा ली इसलिए अब मुझे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। लेकिन वो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो बच्चे उस पे फिर से हंसने लगते हैं, वो बिना पूंछ वाला चूहा, बिना पूंछ वाला चूहा। ऐसे कर करके उसकी प्रॉब्लम तो वही की वही रही, सब उसको चिढ़ाते ही रहे। पहले जब सात थी तब भी चिढ़ाया, छह हुई, फिर पांच हुई, फिर चार हुई, फिर तीन हुई, फिर दो और एक। अब उसने सारी की सारी पूंछ कटवा दी लेकिन बच्चे तो हंसते ही रहे उस पे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इससे हम
हमें क्या सीखने को मिलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जो हमारे पास है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरे जो कहे वैसा नहीं करना है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, आपको सिर्फ वही मानना है। दूसरों की बातों में हमको नहीं आना है। लोग तो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो उनके कहने से थोड़ी हम चलते हैं, है ना। उनका तो काम है हर किसी को परेशान करना, बेमतलब की बात करना, है ना। तो हमको किसी की बातों में आना है। हमारे पास जो है हमको उसी में खुश रहना है। किसी के कुछ भी कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास जो है उसकी कदर करो और अच्छे से अपने आप पे ध्यान दो। अपने मम्मी पापा की ही बात सुननी है, बाकी किसी से अपने को कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जो अपने हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी बातों पे ध्यान दो, बाकी तो जो अच्छा है वही करना है। अब देखो, चूहे ने सब उसके क्लासमेट्स की और स्कूल वालों की बात सुन के एक एक करके सारे पूछ कटवा दी। फायदा क्या हुआ? हुआ कोई फायदा नहीं। एट दी एंड उसको तो सब चिढ़ा नहीं लगे, अब बोलने लगे कि बिना पूछ वाला चूहा। इसीलिए हमको किसी की भी बातों में आना नहीं है। हमारे पास जो है हमको उसी में खुश रहना है। समझ में आ गया? मजेदार थी ना स्टोरी? यस। तो फिर से ब्रीफली स्टोरी में नरेट कर देती हूँ एक बार। एक चूहा था जो अपने परिवार के साथ किसी शहर में रहता था, है ना। वो चूहा स्कूल जाता था, उसके पास 7 पूंछ थी। जैसे ही वो स्कूल में जाता तो उसके क्लासमेट्स और स्कूल के जो बच्चे थे उसको चिढ़ाने लगते। देखो देखो देखो, 7 पूंछ वाला चूहा, ऐसे करके उसको चिढ़ाते थे। फिर वो घर जाता, अपनी मम्मी से शिकायत करता कि सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। तो मम्मी कहती है कि जाओ सलून में जाओ और अंकल को बोलो कि आपकी एक पूंछ काट दे। लेकिन रोज एक एक पूंछ कटवाने के बावजूद भी प्रॉब्लम वही की वही रहती थी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब उसकी 6 पूंछ हुई, फिर 5 पूंछ हुई, 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, लेकिन बच्चे अभी भी उसको चिढ़ाते ही थे। वो 5 पूंछ वाला चूहा, 4 पूंछ वाला चूहा, 3 पूंछ वाला चूहा, 2 पूंछ वाला चूहा, 1 पूंछ वाला चूहा, और लास्ट में उसने सारी कटवा दी, बच्चे तब भी उसको चिढ़ा रहे थे कि बिना पूंछ वाला चूहा। तो उसने इस चक्कर में अपनी सारी पूंछ गवा दी, फायदा भी कुछ नहीं हुआ, है ना। तो हमको किसी की बातों में नहीं आना है। हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना है, है ना। सो एंजॉय दिस स्टोरी, आराम से देखना, मजा आएगा। पिक्चर के साथ मैंने आपको बताई, ये देखो उसकी 7 पूंछ है, बच्चे उसको सब चिढ़ाते हैं, फिर वो रोता हुआ घर जाता है, अपनी मम्मी से कहता है, फिर मम्मी बोलती है कि सलून में जाओ, वो अंकल तुम्हारी पूंछ काट देंगे। ऐसे कर करके वो अपनी 7 की 7 पूंछ कटवा देता है और खुश हो जाता है, लेकिन बच्चे उसको तभी भी चिढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा हमें खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।